हेलो गाइस, तो टुडे वी आर गोइंग फॉर आवर ग्रॉसरी शॉपिंग। तो अभी मेरे साथ चलिए और मैं आपको पूरे वीडियो में दिखाऊंगी कि मुझे क्या खरीदना मेरा एसेंशियल है, क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो लेट्स गो एंड मास्क अप। तो निकल पड़े हम अपने शॉपिंग पे, मतलब कि खाने पीने और वीडियोस बनाने के लिए, सारे सामान को एक जगह से लाने के लिए। तो ये हम जा रहे हैं गांधी मैदान वाले रास्ते से, मतलब पटना में जो रहते होंगे, और ये जहाँ से भी आप ब्लॉग देख रहे हो ना, आपके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल सा रास्ता है। ये गांधी मैदान वाला प्रॉपर रास्ता है और अब हम पहुँच गए डाक बंगला चौराहे पे। और आप ये देख सकते हैं आसमान कितना सुंदर दिख रहा है। मतलब मैंने ना ये वाला व्यू ना सिर्फ आसमान के लिए कैप्चर किया है। इसके बाद हम पहुँच गए 99 सुपर मार्केट। ये ना मौर्य लोक के पास है, मतलब इसका प्रॉपर एड्रेस बंदर बगीचा है। तो अब हम पहुंचे तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे तो बहुत प्रॉपर कोरोना को लेकर सैनिटाइजिंग, टेम्परेचर मीटर सब कुछ हो रहा है। तो घुसते के साथ पहले आपका टेम्परेचर नापा जाएगा और उसके बाद प्रॉपर हैंड सैनिटाइजिंग होगी। उसके बाद आप आराम से जाइए अंदर और खुल के शॉपिंग कीजिए। मतलब ये एक्सपीरियंस ना, मतलब मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको किसी भी सामान की ज़रूरत हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, प्रॉपर यहाँ आ जाओ, सारे सामान मिल जाएंगे इकट्ठे। उसके बाद लिया एक ट्रॉली और शुरू कर दी अपनी शॉपिंग। मतलब यहाँ पे आपको स्टार्ट होते के साथ सब कुछ मिलेगा, मतलब हर चीज़ का सेक्शन अलग अलग डिवाइडेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर प्रॉब्लम होगी भी तो स्टाफ्स बहुत कोऑपरेटिंग हैं, बहुत हेल्प, मतलब दे विल हेल्प यू आउट इन एवरीथिंग, व्हाटएवर यू विल आस्क दे विल हेल्प यू आउट। उसके बाद ना यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा सेक्शन आता है क्रॉकरीज आइटम का, मतलब इतने सुंदर सुंदर ग्लास प्लेट रे आप देख के मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट इट्स ओके। उसके बाद ना ये बर्थडे काउंटर जो मैंने स्पेशली लिया है, मतलब यहाँ पे ना सारे सामान बर्थडे के लिए आपको मिल जाएगा, इनफैक्ट हर कुछ। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम पहुँचे मिक्सचर के काउंटर पर, बिकॉज आई लव नमकीन। तो सबसे पहले, और यहाँ पे ना कुछ भी मम्मी के काम का सामान हमने नहीं लिया, सब सिर्फ अपने काम का, अपने यूट्यूब के लिए लिया और अपने खाने के लिए लिया, कुछ भी काम का उनके लिए नहीं, मतलब उनके हिसाब से सारे बेकार सामान लेकर आए हम सिर्फ खाने के। उसके बाद ना मैंने ख़रीदा ये जो दो यम ब्रांड्स के ना ये चिकन मैगी थे, मतलब इट कॉस्ट अप्रॉक्स 65 ईच। ये सेक्शन ना पूरा मैगी के लिए ही था, जहाँ पे आपको चिंग्स के मैगी, हक्का नूडल्स, मतलब एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा। उसके बाद मैंने लिए आलू भुजिया और तीन तरीके के भेल। उसके बाद ना ये मैगी का डिफरेंट फ्लेवर का एक सेक्शन बना हुआ है, इसमें आपको चीज़ी मैगी, टोमेटो मैगी, मसाला मैगी सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरे को टोमेटो फ्लेवर नहीं पसंद तो मैंने ले लिया दो चीज़ी मैगी। उसके बाद ये प्रॉपर सेक्शन आपको मिलेगा बिस्किट का, मतलब कौन सा फ्लेवर बिस्किट का यहाँ पे नहीं है आप ये पूछो, सारे फ्लेवर्स, आप जो भी फ्लेवर्स खाते हो, बड़ा पैक, छोटा पैक, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ अवेलेबल है। तो जो भी आपको लेना है ना, इस सेक्शन से जाके आप बिस्किट्स के आइटम ले सकते हो। और मतलब सारे पैकेट्स हैं, चॉको पाई, मतलब जो भी आप जो भी बिस्किट खाना पसंद करते हो, ये प्रॉपर सेक्शन सिर्फ बिस्किट के लिए ही बनाया गया है। तो आपको तो पता है मीठा इज़ माई फेवरेट, तो उसके क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आती हूँ ना इसलिए। और उसके बाद आप एक्साइटमेंट मेरा शक्ल देख सकते हो, मतलब हाउ एक्साइटेड आई एम इन दिस बिस्किट काउंटर। और उसके बाद तो मैंने इसमें से ले लिया कैडबरी के बिस्किट, ओरियो, मल्किस्ट और जितने भी बिस्किट्स हैं ना, बर्बन, मतलब बस भरते गए अपना ट्रॉली, ट्रीट बिस्किट, बर्बन बिस्किट। फिर ये प्रॉपर सेक्शन आया ना स्प्रेड्स का, मतलब चॉकलेट स्प्रेड्स, पीनट और केचप और सॉसेस का। तो जो भी सॉसेस आपको लेना है यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। और यहाँ की सबसे एक बहुत बड़ी खासियत है कि अगर आपको कोई बड़ा नहीं चाहिए, मतलब बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, तो आप छोटा पैक भी ले सकते हो। उसके बाद ना यहाँ पे टॉर्टिलास सब कुछ, मतलब थोड़ा सा महंगा लगे मेरे को टॉर्टिलास, वो 545 और प्रॉक्स पैकेट्स थे, तो वो भी था यहाँ पे अवेलेबल। उसके बाद ना बिस्किट, उसके बाद चॉकलेट का काउंटर पे जब मैं आई तो चॉकलेट्स तो भर के थे, मतलब दो स्टॉल सिर्फ चॉकलेट से थे। ये तो मार्शमेलोज, और उसके बाद इसका एक बिल्कुल अलग सेक्शन था और हर फ्लेवर में सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे। उसके बाद मंच इज़ माय फेवरेट वेफर चॉकलेट, तो उसके बाद मैंने लिया इकट्ठे मंच और ये ओयो के वेफर। ये ना मतलब मेरे तो फेवरेट है भाई, इसलिए मैंने ले लिया दो, फिर ले लिया फाइव स्टार। और ये आया उसके बाद एक कैंडी का सेक्शन, मतलब ये नॉर्मली एक सेक्शन लगा हुआ था जिसमें सारे कैंडीज आपको 200 के अप्रॉक्स मिल जाते हैं। मतलब ये सेक्शन है तो मेरा दिल जीत लिया, मम्मी के डर से मैंने लिया तो नहीं, लेकिन देख के ही मतलब मन भर गया इस सेक्शन को। इतने सुंदर सुंदर कैंडीज़, कुछ पर्स के स्टाइल में, मतलब अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग वेरियंट्स में इस सेक्शन को डेकोरेट किया गया था। उसके बाद ना ये सारे सामान केक के हैं, मतलब जो भी आपको चाहिए ना, वो केक का सेक्शन एक अलग था। उसके बाद ना
सारे कंपाउंड्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने वाइट चॉको चिप्स लिया, डार्क चॉको चिप्स लिया, ये मिल गया है, फिर मिल्क कंपाउंड मिल गया, डार्क कंपाउंड मिल गया, एंड इट जस्ट कॉस्ट 125, 100, 200 लाइक दिस। उसके बाद ना मैंने लिया कोको पाउडर, तो वो मैंने तीन ब्रांड्स के ले लिए, कैडबरी के, हर्षी के और नॉर्मल वो विकीफील्ड वाले ब्रांड, तीनों ले लिया। उसके बाद ये आया चाउमिन का सेक्शन, और यहाँ पे सारे तरीके के चाउमिन थे, एंड ट्रस्ट मी ये स्टोर ना चाउमिन के लिए बेस्ट है। उसके बाद आपको एक स्टारबक्स का सेक्शन भी मिलेगा, जहाँ पे सारे फ्लेवर्स के कॉफ़ी एंड ऑल डेकोरेट किए रहेंगे। उसके बाद जितने मतलब पूछो भाई क्या नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ना मैंने छोटे छोटे ना ट्यूब्स जैसे खरीदे सारे सॉसेस के। उसके बाद ले लिया चीज़, तो मतलब हर चीज़ में डालना इंपॉर्टेंट है, तो वो तो बड़ा पैक लेना था, तो इसलिए मैंने दो ले लिया। उसके बाद ये जो आप अमूल का एक देख रहे हो ना पैकेट, ये ना पैटी था, ये सिर्फ 75 रुपीज़ में ये पैटी थी, और इसमें 8 पीसेस थे, तो मैंने तो ये ले लिया भाई। उसके बाद लिया फ्रेंच फ्राइज, और ये ब्रेड का ना एक बिल्कुल अनोखा अलग सा सेक्शन बना रहता है यहाँ पे। यहाँ से मैंने लिया मल्टीग्रेड ग्रेन ब्रेड, उसके बाद मैंने लिया बर्गर ब्रेड, सैंडविच ब्रेड, और यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब हॉट डॉग जो भी है सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे ब्रेड का एक सेक्शन। और उसके बाद ना मैं तो थक गई, मतलब रियली बता रही हूँ 2 घंटे लग गए शॉपिंग करते करते। फिर एक आइसिंग फ्रिज है, उसमें सारे जितने भी आप देख रहे हो ना फ्रोजन सामान रखे हुए हैं, मोमोज, समोसा, हर कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, चिकन विकन सब। और ये मतलब मेरी बहन, मतलब हम दोनों साथ में गए थे, तो फाइनली पसंद आया हमें अमूल का एक चॉकलेट ड्रिंक। उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि स्टारबक्स के यहाँ पे ना सारे फ्लेवर्स के शीशे में डाल के सारे कॉफ़ी रखे हुए हैं, इट कॉस्ट लाइक 350-400 टाइप, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर मैंने लिया अमूल का चीज़ सॉस, ये मैंने ना 2 न्यू फ्लेवर ट्राई करने के लिए लिया, फर्स्ट टाइम लिया है। तो उसके बाद मैं थक गए और हम चले गए बिलिंग सेक्शन में। तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि बिलिंग सेक्शन में भी काफ़ी डिस्टेंस है, एक ग्लास से कवर किया हुआ है, और आप काफ़ी डिस्टेंस में रहोगे सर्विस मैन से। उसके बाद आपको सब कुछ खुद से सेल्फ सर्विस करके निकाल के देनी है, बिलिंग हो जाएगी, उसके बाद आप जिस तरीके से पेमेंट करना चाहो आप कर सकते हो, इट्स कार्ड, आइदर कैश। और उसके बाद ये तो मेरे को जो मैं थकी ना, उसके बाद मैंने पानी पिया और बस हो गया। ओके, थैंक यू, बाय बाय। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस प्लेस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ऐसे और सारे वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।